हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स पाठशाला में और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं बात करने वाला हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में सिंगल एंट्री सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है और डबल एंट्री सिस्टम में जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो है चीज़ों को डबल डबल रिकॉर्ड करते थे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई सामान परचेज कर रहा हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या अगर मशीनरी परचेस कर रहा हूँ तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक जो भी होता है तो उसको उसमें देखना डबल एंट्री की जाती है ना सिंगल एंट्री में क्या होता है कि यहाँ पर डबल एंट्री की जा रही है लेकिन जो रिकॉर्ड्स है वो इनकम्प्लीट है सपोज एक जगह आपने लिखा एक जगह नहीं लिखा या कोई डिफेक्टिव डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहेंगे ठीक है ना आप ये काम किस तरीके से करता है और इसमें क्या क्या इसमें बातें लिखी गई हैं उसको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ ठीक है तो लेक्चर ले स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलैकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लिखा हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट मीन दैट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इट सिंपली रेफर्स टू इकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और डिफेक्टिव डबल एंट्री सिस्टम तो सिंगल एंट्री सिस्टम का ये मतलब ये नहीं होता कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको सिर्फ उसके सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया गया है बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है और एक uh, डबल डि, एक डिफेक्टिव डबल एंट्री सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अंडर द सिस्टम नीदर ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड नॉर ऑल द बुक्स आर मेंटेन्ड इस सिस्टम में क्या होता है कि सारे के सारे ना ही सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और ना ही सारे बुस को रिकॉर्ड किया जाता है आपने आपको पता होगा कि जर्नल में बहुत सारे बुक्स हैं लाइक सात या आठ बुस हैं तो अगर आप सारे बुक्स को मैंटेन नहीं कर रहे हो या फिर आप अगर सारे ट्रांजेक्शन को मैंटेन नहीं कर रहे हो तो वो डबल एंट्री सिस्टम आप फॉलो करेंगे वो डिफेक्टिव हो जाएगा है ना क्योंकि आप सब कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे हो राइट इन सर्टन केसेज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर डूली रिकॉर्डेड वाइल इन अदर्स ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड कुछ कुछ केसेज में क्या होता है कि आप जो है डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो मतलब आप दोनों जगह रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन एक एक सिचुएशन में क्या हो रहा है कुछ ट्रांजेक्शंस में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो राइट स्टोन सम सम ट्रांजेक्शन आर सिंपली इग्नोर्ड कुछ ट्रांजेक्शन को जो है बहुत ही आसानी से इग्नोर कर दिया जाता है उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि उनके रिकॉर्ड करने की भी जरूरत है द सिंगल एंट्री सिस्टम इज दस अ मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम एंड नो एंट्री तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक तरीके से मिक्सचर है डबल एंट्री सिस्टम का जहाँ पे दोनों दोनों जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम का जहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया जा रहा है या फिर तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा नो एंट्री सिस्टम ये तीनों का एक मिक्सचर होता है सिंगल एंट्री सिस्टम दी द अकाउंट्स मैंटेन अंडर द सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक एंड दे फॉर नॉट रिलायबल तो जो अकाउंट्स इसके अंदर मेंटेन किए जाते हैं वो सिस्टमेटिक नहीं होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और इसके कारण वो जो है रिलायबल भी नहीं होते हैं मतलब लोग जो है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान या फिर ज़्यादा जो इम्फास uh, है वो नहीं देते जिनका बुक जो है डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन होता है उनका उनको ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है द मेन डिफेक्ट इन द सिस्टम इज़ दैट आर्थमैटिकल एक्ोरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट बी चेकड बिकॉज द ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड तो यहाँ पे जो मेन सबसे डिफेक्टिव सिस्टम है इस आ, जो डिफेक्टिव बात है सिस्टम के अंतर्गत वो ये है कि इसकी अर्थमेटिकल एक्ोरेसी आप जो है चेक नहीं कर सकते इसके बुक्स ऑफ अकाउंट से बिकॉज आप जो है इसका ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तो अगर आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं कर पाओगे ट्रायल बैलेंस में देखना डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है राइट right? तो अगर आप दोनों को मैच नहीं कर पाओगे तो एक तरीके से आपका जो अकाउंटिंग है वो बेकार हो जाएगा है ना तो उसी तरीके से यहाँ पे बोली जा रही है कि सिस्टम में सबसे डिफेक्टिव बात यही है ये यह डिफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि इसके अर्थमेटिक्योरिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने की वो है ही नहीं इसके औकात ही नहीं है कि उसको चेक कर पाए ठीक है ना तो इसके कारण से आप जो है ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे इट ऑल्सो बिकम्स डिफिकल्ट टू असरटेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इसके कारण से आप जो है करेक्ट अकाउंट करेक्ट अमाउंट भी नहीं निकाल पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस का है ना दिस सिस्टम इज नॉर्मली फॉलोड बाई स्मॉल बिजनेस फॉर्म अब ये जो तरीका है ना ये स्मॉल बिजनेस फार्म फॉलो करती हैं जिनका ट्रांजेक्शन जो है बहुत बड़ा नहीं होता जो हजारों या लाखों में डील करती हैं जिनका डीलिंग जो है करोड़ों में होता है या बस बड़े ट्रांजेक्शन बड़े बिजनेस फार्म होते हैं उनको ये जो है सूट नहीं करेगा उल्टा उनका लॉस हो जाएगा कोई कंपनी उसके ऊपर रिलायबल नहीं करेगी और बहुत दिक्कत हो जाएगी तो ये था सिंगल एंट्री सिस्टम का ओवरव्यू आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इस इसका एक डिफरेंट चैप्टर एक अलग से चैप्टर है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट फिफ्टीन मैं जब उसको बताऊंगा तो फिर मैं आपको इस चीज को और डिटेल में बताऊँगा ठीक है फिलहाल सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में हम हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली अगर आपको ये जानकारी काफी पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय हैव अ नाइस डे